हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन लूथरा है एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैं क्लासेस 9 10th के लिए साइंस और क्लास 11 12th जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में वेरियस सेशंस कंडक्ट किए हैं, जैसे सब्जेक्ट कैंप, स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर स्कूल्स के अंदर, करियर काउंसलिंग, टाइम मैनेजमेंट, क्रैक द बोर्ड, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एंड सो ऑन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 11th का चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, जो आपके लिए हायर ग्रेड्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। उसका टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसके पहले के लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल के अंदर, और आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का, दैट इज SP3D हाइब्रिडाइजेशन। हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है ताकि नए हमारे पास बेटर ऑर्बिटल्स आए, जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स हम इन्वॉल्व करने वाले हैं तो देखते हैं हम। इसके अंदर एस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ तीनों पी एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस पे पी एक्स, वाई एक्सिस पे पी वाई, जी एक्सिस पे पी जी, और एक डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है। और जो डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है वो डी जी स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। इन पांचों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास नया हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है, जिसको हम कहते हैं SP3D हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ऐसे पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं। तो आप इस कैरेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन ऑल द 5D ऑर्बिटल्स। ये 5SP3D ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपेल करके ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप बनाते हैं, जिसमें अलग अलग बॉन्ड एंगल्स होते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास 90 डिग्री बॉन्ड एंगल भी होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल भी होता है, और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल भी होता है। सिंस हमारे पास ऐसे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिनके हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो उन एग्जाम्पल्स में जो मॉलिक्यूल्स SP3D हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं वो है PF5, PCl5 एंड SBF5, और आप SBCl5 भी शो करा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो SP3D हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड भी इसके अंदर आ सकता है, एटसेट्रा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम SP3D हाइब्रिडाइजेशन का। बात करते हैं हम PF5 या PCl5 की। फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक नंबर होता है 15, तो ग्राउंड स्टेट में अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5,
3p3। तो अगर आप s ऑर्बिटल देखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन हैं। p ऑर्बिटल देखेंगे तो वो हाफ फिल्ड है, और 3d ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, जीरो, तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता। जब फास्फोरस का लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ओवरलैपिंग के समय उनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जब होती है, तो स्टेबिलिटी फास्फोरस को सेंट्रल एटम को मिलनी शुरू होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज करता है। जो एनर्जी वो ओवरलैपिंग के दौरान रिलीज करते हैं, फास्फोरस सेंट्रल एटम उस एनर्जी को गेन करके अपने 3s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 3d में जंप करा देता है। आइडली 3d ऑर्बिटल हमारा एम्प्टी होता है। तो हमारे पास फास्फोरस के अंदर एक्साइटेड स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p3 एंड 3d1। s ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन, p के पास हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और 3d के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब फास्फोरस का s ऑर्बिटल तीनों p और ये d ऑर्बिटल, ये पांच ऑर्बिटल्स क्या शो करते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और ये 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। जो 5 बॉन्ड्स ये बनाते हैं, उनकी शेप जो आती है वो आती है ट्राइगोनल बाय पिरामिड में, जिसके अंदर पहले 3 बॉन्ड के बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, 120 डिग्री। ये जो 3 बॉन्ड बनते हैं PCl के, इनको हम इक्विटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। ये लेंथ में छोटे होते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनका बॉन्ड एंगल जो है हमारे पास कितना आता है, 120 डिग्री ईच। नेक्स्ट, जब दो बॉन्ड्स और बनने शुरू होते हैं, तो जो नए बॉन्ड्स आते हैं वो साइमल्टेनियसली जब फास्फोरस सेंट्रल एटम के पास आते हैं, तो वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं जो पुराने 3 बॉन्ड्स होते हैं उनसे, जिस वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो पहले वाले बॉन्ड से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ड्यू टू द रिपल्शन, और ये इस ट्राइगोनल शेप के साथ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। तो ये जो दो हमारे PCl बॉन्ड आते हैं, इनको हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। ये कंपैरेटिवली इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि why axial bonds are longer than equatorial bonds, या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो axial bonds equatorial bonds से बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि ये equatorial bonds से ज़्यादा repulsion experience करते हैं, जिसकी वजह से इनकी length थोड़ी सी बड़ी हो जाती है।
एंड बड़ा होने की वजह से, लेंथ बड़ी होने की वजह से ये कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने दो बॉन्ड एंगल्स हाईलाइट कर दिए, एक 90 डिग्री हाईलाइट कर दिया, ठीक है, एक 120 डिग्री हाईलाइट कर दिया। बच्चे पूछते हैं कि सर इसके अंदर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल कैसे आता है? तो अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया है तो आप खुद ही देख के मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल जो है वो कहाँ पर है। तो अगर आप ये वाला एंगल देखें तो ये 180 डिग्री हो जाता है, राइट? तो आई होप आपको SP3D हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, शेप, बॉन्ड एंगल्स, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। आप देख सकते हैं 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2, 3, जो पहले इनिशियल के 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप बनाते हैं जो प्लेन के अंदर आती है। वेस्पर थ्योरी ने हमारे को इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कराया था कि हाउ द 5 बॉन्ड्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम, एंड बाकी के जो 2 बॉन्ड्स आते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं रिपल्शन एंड दे आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर, तो वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो हमारा एंगल हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री। सेम गोज विद फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड या पेंटाक्लोराइड एंड आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, राइट? समझ में आ गया ये पार्ट? तो दिस इज SP3D हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे कोर्स में है वो है SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी SP3D के तरह ही सिमिलर है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस बार हमारे पास S ऑर्बिटल है, PX है, PY है, PZ है, DZ स्क्वायर है, और जो नेक्स्ट ऑर्बिटल 6th हमारे पास इन्वॉल्व होता है वो होता है DX²-Y²। तो ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया हमारी X एक्सिस, तो हमारे पास इस बार कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए। ये 6 के 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो हमारे पास 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। जो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं ओवरलैपिंग के अंदर, इनको हम कहते हैं SP3D2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये मिलकर कौन सी शेप बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल, जिसके अंदर बॉन्ड एंगल्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, राइट? और कुल मिला के 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जो SP3D हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं उसके अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमारे पास आता है वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर की ग्राउंड स्टेट के अंदर एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4 एंड 3d खाली होता है। तो लास्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d हमारे पास 0 है, खाली पड़ा है। तो जब सल्फर के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने लगते हैं फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, तो स्टेबिलिटी की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जो सल्फर एटम, जो सेंट्रल एटम होता है वो गेन करके अपने S और P के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा के D में ट्रांसफ़र कर देता है। तो हमारे पास सल्फर
एक्साइटेड स्टेट में कितना आ जाता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p3, 3d2. तो अब हम देख सकते हैं सल्फर का ये वाला एस ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल, ये 6 के 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे sp3d2 और ये 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। जब सल्फर 6 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो मॉलिक्यूल की शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। तो हम देख सकते हैं मॉलिक्यूल की शेप कैसे आती है ऑक्टाहेड्रल। सल्फर के पहले 4 बॉन्ड्स बनते हैं जो 4 कॉर्नर्स पर इन्वॉल्व्ड होते हैं स्क्वायर प्लेनर फॉर्म के अंदर, और इन सब का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। राइट। और नेक्स्ट जो 2 बॉन्ड्स आते हैं सल्फर और फ्लोरीन के बीच में, वो इनके परपेंडिकुलर प्लेस किए जाते हैं, जिनका अगेन बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है? 90 डिग्री। बट ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की वजह से सारे बॉन्ड एंगल्स या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो काफी स्टेबलाइज्ड होता है। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो कितना बन गया? 180 डिग्री। तो मॉलिक्यूल इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड। भाई अगर आपको मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो आपको सल्फर और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बट आप सल्फर को कैसे अप्रोच करेंगे जो चारों तरफ से फ्लोरीन की वजह से घिरा हुआ है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से सल्फर हेक्साफ्लोराइड स्टेरिकली प्रोटेक्टेड रहता है एंड हिंस इट इज अ क्वाइट स्टेबल मॉलिक्यूल। राइट। तो आई होप आपको आज की हाइब्रिडाइजेशंस जो हमने करी हैं sp3d एंड sp3d2 समझ में आई विद मॉलिक्यूल्स। तो प्लीज इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझ पाए। और आप में से जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी चैप्टर्स और भी टॉपिक्स को मैं अपलोड करने वाला हूँ। किसी को कोई भी टॉपिक समझना हो तो मैंने आप नीचे मोबाइल नंबर फ्लैश होता है तो आप उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट अपने टॉपिक्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर उनको अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।